पीबीसी दुनिया में आज देखिए, कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के साथ बढ़ती हिंसा। फलस्तीनियों के खिलाफ उग्र यहूदी सेटलर्स के हिंसक कार्रवाई। फलस्तीनियों में बढ़ रहा है डर, दिखाएंगे खास रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। कब्जे वाले वेस्ट बैंक में क्यों बढ़ रहे हैं हमले, करेंगे बात कवर स्टोरी में, लेकिन पहले हेडलाइंस। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर ऑक्सीजन मिलने की पुष्टि, सल्फर समेत कई एलिमेंट्स होने का पता चला। इसरो को चंद्रयान 3 के रोवर के जरिए मिली कई अहम जानकारियां। केंद्र सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में 200 रुपए की कटौती की। उज्ज्वला स्कीम के तहत मिलने वाले सिलेंडर अब 400 रुपए सस्ते मिलेंगे। विपक्षी पार्टियां बोली, इंडिया गठबंधन से घबराई सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा वापस देने की समय सीमा बताने के लिए कहा। साल 2019 में भारत सरकार ने खत्म किया था राज्य का दर्जा, हुए थे जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। सुप्रीम कोर्ट कर रहा है मामले में कई याचिकाओं पर सुनवाई। चीन के नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों को शामिल करने पर भारत सरकार ने राजनयिक स्तर पर दर्ज कराया विरोध। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, चीन का दावा आधारहीन। कहा, चीन के ऐसे कदमों से सीमा मुद्दों का समाधान हो जाता है जटिल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सजा पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक। तोशाखाना मामले में गिरफ्तारी के बाद अटक जेल में 22 दिनों से बंद इमरान, उनके खिलाफ और भी कई मामले हैं दर्ज। फिलहाल ये साफ नहीं, इमरान तुरंत रिहा होंगे या नहीं। वाग्नर ग्रुप के प्रमुख रहे येवगेनी प्रिगोजिन को सेंट पीटर्सबर्ग में दफनाया गया। प्रिगोजिन की मीडिया सर्विस ने दी जानकारी। पिछले हफ्ते एक विमान दुर्घटना में मारे गए थे प्रिगोजिन। जापान ने चीन से कहा, फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट से पानी छोड़े जाने के बारे में अपने नागरिकों को दे सटीक जानकारी। चीन को न्यूक्लियर प्लांट से पानी छोड़े जाने पर है आपत्ति। जापान ने पानी सुरक्षित होने के दिए हैं सबूत। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। इसराइल और फलस्तीनियों का जिक्र होते ही जिक्र होता है वेस्ट बैंक का, जहां तनाव बढ़ता जा रहा है। क्या है इसकी वजह, कवर स्टोरी में इसी की बात। ये साल कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों और इसराइल के लिए काफी हिंसा भरा रहा है। रातों को इसराइली सैनिक छापे मार रहे हैं, वहीं फलस्तीनी चरमपंथी कई हमले कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वेस्ट बैंक में रह रहे सेटलर्स के हाथों हो रही हिंसा में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि हर दिन वहां रह रहे सेटलर्स औसतन 3 हमले कर रहे हैं, और पिछले कुछ महीनों में कम से कम 3 फलस्तीनी समुदायों को जबरन अपनी जमीन छोड़नी पड़ी। वेस्ट बैंक में 500,000 इसराइली सेटलर्स रहते हैं, इसमें पूर्वी यरूशलम शामिल नहीं है, और मौजूदा धूर दक्षिणपंथी सरकार का लक्ष्य है इस आंकड़े को दोगुना कर 1,000,000 करना। देखिए बीबीसी संवाददाता योलान नेल की रिपोर्ट। एक हिंसक संघर्ष जो बढ़ता जा रहा है। इस साल कब्जे वाले वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के खिलाफ उग्र यहूदी सेटलर्स की हिंसक कार्रवाई और तोड़फोड़ की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। फलस्तीनियों के गांव बरका में 19 साल के कोसाई मार्टिन के लिए हाल ही में शोक मनाया गया, जिनकी मौत गोली लगने से हुई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि वो हथियारबंद यहूदी सेटलर्स से अपनी जमीन बचाने गए थे। अमेरिका ने इस पर कड़ी फटकार लगाते हुए कोसाई की हत्या को ज्यूइश टेररिज्म बताया। कोसाई की ये परिजन अपना चेहरा दिखाने से डरती हैं। कोई नहीं जानता कि अगला कोसाई कौन होगा, हमें कोई भी बचा नहीं पाएगा। अगर आगे भी ऐसा कोई वाकया या हमला होता है तो हमारी सरकार कानूनी तरीके से भी कुछ नहीं कर सकती। Our government can't legally do anything. वेस्ट बैंक के 60% हिस्से पर इसराइल का पूरा नियंत्रण है, और उसके सैनिक वहां हजारों सेटलर्स की रक्षा करते हैं। ज्यादातर दुनिया इन सेटलमेंट्स को गैर कानूनी मानती है, पर इसराइल ने यहाँ और ज्यादा नई अवैध यहूदी चौकियां बनाने की मंजूरी दी है, जो कि ओलिव ग्रोव में है, जिसका मालिकाना हक बरका में रह रहे फलस्तीनियों के पास है। ये सेटलर्स मुझे बताते हैं कि वो ऊपर वाले के बताए रास्ते पर चलते हैं और इसराइली कैबिनेट में धुर दक्षिणपंथी नेताओं की सोच से राबता रखते हैं। दक्षिणपंथी विचारधारा रखने वाले लोगों ने सरकार का चुनाव किया है, और हमें उम्मीद है कि वो इस जमीन के मसले को सुलझा कर सेटलमेंट्स बढ़ाएगी और उन्हें परेशान नहीं करेगी। हमारी सोच है कि यहूदी पूरे इसराइल में बसें।
ये पहाड़ियाँ वेस्ट बैंक का हिस्सा है। यहाँ रह रहे फलस्तीनियों को एक लंबे अरसे से उम्मीद है कि उन्हें यहाँ का ज्यादातर हिस्सा भविष्य में बनने वाले उनके देश के लिए मिलेगा, पर सत्ता पर काबिज कट्टर इजरायली मंत्री पूरी तरह से इसका विरोध करते हैं और यहाँ सेटलमेंट्स बनाने के लिए बड़ी तेजी से मंजूरी दे रहे हैं। लक्ष्य है यहाँ इसराइली मौजूदगी बढ़ाकर पूरी तस्वीर को बदल देना। इन भेड़ों के लिए चरने लायक जमीन नहीं बचेगी, जिससे फलस्तीनी चरवाहे चिंतित हैं। पीढ़ियों से रह रहे करीब 90 लोग इस महीने यहाँ से चले गए। उन्हें यहाँ काफी परेशान किया जा रहा था। अमू अबू अली मुझे बताते हैं कि परेशानी बर्दाश्त के बाहर हो गई थी। वो हमारे घर के बाहर आधी रात को रुककर हॉर्न बजाने लगते हैं या फिर अपने बच्चों को भेजकर हमें परेशान करते हैं। वो भेड़ों को डराकर उन्हें अंदर बंद कर देते हैं या पानी की टंकी खाली कर देते हैं। इसराइल की राजनीति में आई नई लहर से सेटलर्स को ताकत मिल रही है और शायद उनका दंड माफ कर दिया जाएगा। ये बात फलस्तीनियों में गुस्सा बढ़ा रही है। यहाँ सेटलमेंट्स के लिए नए और बड़े निवेश हो रहे हैं, जिससे दोनों पक्षों के बीच दुश्मनी और गहरी हो जाएगी। वेस्ट बैंक में पिछले 2 दशकों में इतने हिंसा इससे पहले कभी नहीं हुई और इस संघर्ष के राजनीतिक समाधान के संकेत भी कम नजर आ रहे हैं। प्रेस एसोसिएशन के सूत्रों के मुताबिक इस साल वेस्ट बैंक में 180 से ज्यादा फलस्तीनी मारे गए, जिनमें अधिकतर लड़ाके थे। मारे गए लोगों में आम नागरिक भी शामिल थे। बात करें इजरायली पक्ष की तो लगभग 32 लोग हिंसा की वजह से मारे गए, जिसमें सभी आम नागरिक थे। इनमें से 16 लोग वेस्ट बैंक में मारे गए। अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से इन सेटलमेंट्स को ज़्यादातर दुनिया गैर कानूनी मानती है, हालांकि इसराइल ऐसा नहीं मानता और साल 2023 में वहाँ सेटलमेंट्स ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। वेस्ट बैंक में सेटलमेंट्स पर नज़र रखने वाले संगठन पीस नाउ के मुताबिक हाल के महीनों में इसराइली सरकार ने 15 सेटलर आउटपोस्ट का काम शुरू किया। इसराइल के पुराने कानून के हिसाब से ये गैर कानूनी थे, लेकिन मौजूदा सरकार में कैबिनेट में ऐसे लोग शामिल हैं जो सेटलमेंट्स के हिमायती रहे हैं। एक नज़र डालते हैं इसके बैकग्राउंड पर। पिछले साल नवंबर में बेन्यामिन नेतन्याहू सत्ता में वापसी करते हुए फिर प्रधानमंत्री बने। फिर दिसंबर 2022 में नेतन्याहू ने गठबंधन सरकार बनाई, जिसमें कई दक्षिणपंथी पार्टियां शामिल हैं। गठबंधन सरकार में जूश पावर पार्टी के नेता एतमार बेन गोयर भी शामिल हैं, जो नस्ली भावनाओं को भड़काने और एक चरमपंथी संगठन का समर्थन करने के दोषी ठहराए जा चुके हैं। और कब्जे का विरोध करने वाले समूहों का तर्क है कि इसराइल की मौजूदा गठबंधन सरकार की वजह से सेटलर्स की हिम्मत बढ़ी। इस पर और जानकारी दे रहे हैं बीबीसी मॉनिटरिंग के जोएल ग्रीनबर्ग। वेस्ट बैंक में बढ़ती हिंसा की वजह इसराइली सेना की छापेमारी में तेजी को माना जा रहा है, खासकर वेस्ट बैंक के उत्तरी शहर जेनिन में की गई छापेमारी को। फलस्तीनी शहरों गांवों पर यहूदी सेटलर्स के हमले बढ़े हैं, जहां उन्होंने घरों पर पत्थरबाजी की, खेतों को आग लगा दी और दुकानों में तोड़फोड़ की। कुछ मामलों में सेटलर्स के हमलों के बाद फलस्तीनी बंदूकधारियों ने वेस्ट बैंक में इसराइलियों पर गोलीबारी की। हाल के महीनों में ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। इसराइली सरकार में अब ऐसे कई धुर दक्षिणपंथी नेता हैं जो सेटलर्स और जिन सेटलमेंट्स में वो रहते हैं उनका पूरी तरह समर्थन करते हैं। ऐसा लगता है कि वेस्ट बैंक के यहूदी चरमपंथियों को अब ये लगने लगा है कि वो बिना डर के फलस्तीनियों पर हमला कर सकते हैं। लोगों में फलस्तीनी प्रशासन को लेकर मायूसी बढ़ रही है। उन्हें लगता है कि वो ना तो इसराइलियों के सामने खड़े हो सकते हैं और ना कब्जे को खत्म करने के लिए कुछ कर सकते हैं। हमने सोशल मीडिया पर उन दूसरे हथियारबंद समूहों और बंदूकधारियों के लिए समर्थन देखा है जो हाल में इसराइली सेटलर्स और दूसरे आम लोगों पर गोलीबारी के लिए जिम्मेदार हैं और छापेमारी के दौरान इसराइली सेना से लड़ रहे थे। अमेरिका ने इसराइलियों पर गोलीबारी की आलोचना की है, लेकिन इसराइल को ये भी कहा है कि वो फलस्तीनी समुदाय पर हमला करने वाले चरमपंथी सेटलर्स पर लगाम लगाए और जिम्मेदारी तय करे, खासकर जिन मामलों में फलस्तीनी अमेरिकी निशाना बने हैं। हाल में फलस्तीनियों पर सेटलर्स की गोलीबारी को अमेरिका ने चरमपंथ बताया, जो आम तौर पर अमेरिका की भाषा नहीं होती। आने वाले दिनों में शांति की उम्मीद कम ही है और इसराइल में ऐसी दक्षिणपंथी सरकार है जो सेटलमेंट बढ़ाने और वेस्ट बैंक को कंट्रोल करने के पक्ष में है। साथ ही वेस्ट बैंक में हथियारबंद समूह बढ़ रहे हैं, ऐसे में हिंसा बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालात शायद इससे भी बुरे हो जाएं। फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है। पंजाब के टोनी और उनके सपनों ने लीबिया में माफिया का शिकार होकर दम तोड़ दिया। 22 साल के टोनी निकले थे इटली जाने के लिए, लेकिन उन्हें लीबिया में बेच दिया गया। परिवार के मुताबिक एजेंट्स ने वहां टोनी के साथ मारपीट की, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। परिवार की 6 मई को टोनी से आखिरी बार बात हुई, उसके बाद से उनका कोई अता पता नहीं।
वो अपने चाचा और बाकी 16 लोगों जितने किस्मत वाले नहीं थे जो अब वापस भारत आ चुके हैं। देखिए बीबीसी संवाददाता सरबजीत धालीवाल की रिपोर्ट। मैं अपने पोते को भेजकर बहुत पछता रही हूँ। मुझे उसे विदेश भेजना ही नहीं चाहिए था। नहीं भेजती तो आज वो मेरे पास होता। सब तो ज्यादा पछतावा है कि जेड़ा मुंडा साडा ना हमने देखा ना एजेंट ने, लेकिन एजेंट कह रहा है कि हमारा बच्चा अब जिंदा नहीं है। पर एजेंट ने गल क्लियर करती, कहंदा भी मुंडा थोड़ा नहीं रहा। बुजुर्ग सुलोचना देवी अपने जवान पोते टोनी की बात कर रही हैं, तो दूसरी तरफ टोनी के चाचा संदीप कुमार हैं जो खुद टोनी के साथ लीबिया में थे और टोनी के मरने की पुष्टि कर रहे हैं। अब परिवार के पास सिर्फ टोनी की तस्वीरें ही बाकी रह गई हैं। अच्छे भविष्य की आस में 22 साल का टोनी घर से निकला तो इटली के लिए था, लेकिन एजेंट ने पहले उसे दुबई और फिर लीबिया भेज दिया जहाँ उसकी मौत हो गई। गरीब परिवार से ताल्लुक रखने वाले टोनी की लाश लीबिया में ही है, जिसका परिवार अब भी इंतजार कर रहा है। टोनी बगैर मैं पल नहीं जो सकती। मैं अपने टोनी के बिना नहीं जी सकती। मेरा टोनी आना चाहिए। वो कहता था कि मुझे विदेश जाना है, आप पापा से बात करो। उसने सेना में जाने की कोशिश की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। उसने कहा कि यहाँ मेरा कुछ नहीं होगा, मैं जाना चाहता हूँ। वीडियो कॉल करता था, कहता था कि मैं ठीक हूँ, कहता था आप मत घबराओ। हमने जमीन बेचकर उसे विदेश भेजा था। हमने बेटा भी खो दिया और जमीन भी। हमारा तो अब गुजारा तक नहीं हो पा रहा। बहुत मुश्किलों से बच्चों को पाला था, आज मेरा बच्चा हमने खो दिया है। संदीप कुमार और टोनी दोनों एक साथ इटली के लिए निकले थे, लेकिन पहुंच गए लीबिया। संदीप कुमार का दुबई तक का सफर तो ठीक था, लेकिन जैसे ही वो लीबिया पहुंचे उनकी दिक्कतें शुरू हो गईं। लीबिया में तो इंसान ऐसे बिकता है जैसे बाजार में सब्जी बिकती है। हमें बेच दिया गया, एक कमरे में बंद कर दिया। 2-3 दिन बाद हमें पीटना शुरू कर दिया। हमें खाना पानी नहीं देते थे, हमें पीवीसी पाइप और बेल्टों से मारते थे। एजेंट आपस में बात कर रहे थे, उसने हमें कहा कि लीबिया में जो उसका पहचान का आदमी था वो अब बात नहीं कर रहा। हमारे एजेंट ने हमें कहा कि हमें वहाँ से भागना होगा। हमारे पास अपने पासपोर्ट नहीं थे। एजेंट की बात मानने के अलावा हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं था। हम वहाँ से भागे। मेरा पीछे जेड़ा बंदा पहला सीगा वो मेरे नाल गल करना छट गया। संदीप कुमार समेत 17 और युवाओं ने पंजाब के राज्यसभा मेंबर विक्रमजीत सिंह साहनी की कोशिशों की वजह से घर वापसी की है। 28 मई को इनके पेरेंट्स ने हमें कांटेक्ट किया हमारे दफ्तर में, गुरदीप सिंह और निशांत मेरी टीम के। हमने तभी से हम सक्रिय हो गए, हमने बच्चों के साथ कांटेक्ट किया, उनके इतने दर्दनाक वीडियो देखे। वो माफिया ने उनको उसमें रख रखा था कन्फाइनमेंट में, तो हमने वहाँ पे एक होटल अरेंज किया, गाड़ी अरेंज की, ड्राइवर अरेंज की। इनको बोला भाग के इस होटल में आ जाओ, होटल वाले को पैसे दिए। फिर वो होटल वाले पुलिस कमिश्नर के कोई वहाँ रिश्तेदार थे, उसने वहाँ खबर कर दी, ये बेचारे लीबिया जेल में चले गए। लीबिया में हमारी इंडियन एम्बेसी भी नहीं है। फिर टूनिशियन इंडियन एम्बेसी को बोला, वो भी हेल्पलेस थे। फिर यूनाइटेड नेशन को हमने बोला कि इनको काउंसलर एक्सेस मिलनी चाहिए। फिर बहुत ही जद्दोजहद के बाद ये लोग वो जेल से हमने निकलवा के फिर इनको इमिग्रेशन कैंप में लाया गया। फिर हमने इंडियन एम्बेसी को, जो नियरेस्ट इंडियन एम्बेसी थी, उनको रिक्वेस्ट किया, इनके वाइट पासपोर्ट बनाए और आज यहाँ ये दिल्ली में सारे लोग आए हैं। परिवार की शिकायत पर मोहाली पुलिस ने संबंधित एजेंट्स के खिलाफ FIR दर्ज करके अगली कानूनी कार्रवाई कर दी है। स्पेन में महिलाएं जबरदस्त प्रदर्शन कर रही हैं। ये नाराजगी है स्पेन में फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष लुइस रुबियालीस के खिलाफ। स्पेन के विमेंस वर्ल्ड कप फाइनल जीतने के बाद रुबियालीस के एक महिला खिलाड़ी को किस किया था, जिसकी तस्वीर वायरल हुई थी। फेडरेशन ने भी लुइस रुबियालीस को इस्तीफा देने के लिए कहा है। अभियोजकों ने रुबियालीस के खिलाफ जांच शुरू की है कि कहीं उनकी यह हरकत यौन हिंसा के दायरे में तो नहीं आती। मैड्रिड से बीबीसी संवाददाता गाय हेजको की रिपोर्ट। स्पेन में पिछले दिनों लोगों ने अपना गुस्सा कुछ इस तरह जाहिर किया। ये विरोध देश में फुटबॉल से जुड़े विवादों के केंद्र में रहे शख्स लुइस रुबियालीस के खिलाफ था।
अब ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ इस विरोध का दायरा व्यापक हो गया है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है। इस तरह के व्यवहार को कैमरे में कैद करना मुश्किल है। मुझे लगता है कि उन लोगों को आवाज उठानी चाहिए जो फेमिनिज्म मूवमेंट पर भरोसा करते हैं और महिलाओं लड़कियों के खिलाफ होने वाले अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। ये वो तस्वीर है जिसमें स्पेन के विश्व कप जीतने के बाद रुबियालिस खिलाड़ी जेनी हॉरमोसो को चूमते नजर आए। इस हरकत के लिए जेनी ने अपनी सहमति नहीं दी थी। फीफा ने रुबियालिस को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया है। अभियोजन पक्ष उनके खिलाफ यौन उत्पीड़न की जांच कर रहा है, तो वहीं उनकी फेडरेशन ने उनसे इस्तीफे की मांग की है। रुबियालिस की मां ने खुद को एक चर्च में बंद कर लिया है और भूख हड़ताल पर चली गई हैं। उनका कहना है कि सब उनके बेटे के पीछे पड़ गए हैं, लेकिन वामपंथी सरकार की नज़र में रुबियालिस की सोच आधुनिक स्पेन से मेल नहीं खाती। स्पेन का समाज पूरी तरह नारीवादी है। ये समान अधिकारों के मामले में सबसे आगे है, इसलिए ऐसे व्यवहार बेहद चौंकाने वाले हैं। स्पेन की सरकार ने ट्राइब्यूनल को इस उम्मीद के साथ रुबियालिस के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा है कि शायद उसके बाद उन्हें पद से हटा दिया जाएगा। अदालत और सरकार की सक्रियता ये दिखाती है कि कैसे ये पूरा मामला अब फुटबॉल जगत के दायरे से आगे निकल गया है। रुबियालिस का भविष्य जो भी हो, इस घटना ने स्पेन के समाज को झकझोर कर रख दिया है। और आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @BBC सारिका पर। बीबीसी दुनिया में फिलहाल इतना है।